जग के पालनहार हैं भगवान जगन्नाथ, दरिद्रों के नारायण हैं प्रभु जगन्नाथ, चेतना और संस्कृति के मार्गदर्शक हैं पतित पावन भगवान जगन्नाथ। भारतवर्ष के पूर्वी तट पर उड़ीसा प्रांत में स्थित है भगवान जगन्नाथ का ये पवित्र धाम। विश्व में फैले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का केंद्र बिंदु है महाप्रभु जगन्नाथ का ये मंदिर। राजधानी भुवनेश्वर से 70 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र किनारे बसा है जगन्नाथपुरी। यहीं पर हर वर्ष आयोजित होती है जगन्नाथ प्रभु की भव्य शोभा यात्रा। ये वो अवसर होता है जब आस्था, भक्ति और समर्पण एक साथ मिलकर त्रिवेणी संगम का रूप ले लेते हैं और जहां न केवल भारतवर्ष से बल्कि संसार के कोने कोने से आए भक्तगण प्रभु की एक झलक पाकर स्वयं में एक विशेष आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। मंदिर के बाहरी परिसर की चारों दिशाओं में चार दरवाजे निर्मित हैं जिन्हें अश्वद्वार, व्याघ्र द्वार, हस्ती द्वार और सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। दिशाओं के अनुसार ही इन चारों दरवाजों की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए पूर्व दिशा में निर्मित सिंह द्वार श्री जगन्नाथ चेतना और संस्कृति का एक प्रमुख द्वार है। यही वो द्वार है जहां से भक्त और भगवान के मिलन की पहली सीढ़ी प्रारंभ होती है। इस द्वार पर उड़ीसा के पारंपरिक कला की छाप साफ देखी जा सकती है। द्वार से प्रवेश करते ही फेल्सफार और खोंडोलाइट से निर्मित 22 सीढ़ियां मौजूद हैं। भक्तों को प्रभु से मिलन कराने वाली ये सीढ़ियां मंदिर की पवित्रता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मंदिर की इन सीढ़ियों पर कदम रखते ही हर भक्त अपने हृदय में विशेष शांति की अनुभूति प्राप्त करता है। ऐसा लगता है मानो प्रभु ने स्वयं आगे बढ़कर अपने भक्त को गोद में उठा लिया हो। 40,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैले भगवान जगन्नाथ मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। मंदिर परिसर अपने में लगभग 120 छोटे बड़े मंदिरों और तीर्थों को समेटे हुए है। मंदिर के निर्माण और उसकी कलात्मकता में ओडिसी शैली की पारंपरिक झलक साफ नजर आती है। मुख्य मंदिर की चोटी को भगवान विष्णु के श्री चक्र से सुसज्जित किया गया है। साथ ही साथ लाल रंग की लहराती ध्वज पताका स्वयं भगवान जगन्नाथ के प्रति भक्तों की आस्था को और दृढ़ता प्रदान करती है।